हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज मेरा नर्मदा परिक्रमा का चौथा दिन है और मैं केदारपुर से अभी निकला हूँ। मैंने यात्रा अपनी भमका से चालू किया था, भमका से पाटनी, पाटनी से केदारपुर, और केदारपुर में काफ़ी लोग सहयोगी मिले, नाश्ता वास्ता को पूछे और चाय वाय पिलाए और दो तीन जगह चाय का ऑफ़र किए। मतलब बड़े सेवा भावी गाँव था केदारपुर। अब केदारपुर से जो मैं रास्ते में, केदारपुर से पौड़ी 6 किलोमीटर है, बस पौड़ी के पास में 2-3 किलोमीटर पौड़ी यहाँ से बचा है और ये यात्रा मेरी अभी चालू है। काफ़ी मज़ेदार यात्रा है और इसको प्रकृति का आनंद लेना है उससे लिए तो क्या बात है, बहुत ही बड़ी ज़ोरदार ये यात्रा है। जिसको प्रकृति का आनंद लेना है और नर्मदा के किनारे अपनी साधना भी करना है, आध्यात्मिक विकास भी करना है, मौन भी रहना है, ठीक है। जैसे आप अकेले जाओ तो क्या, मौन रहने से बड़े फ़ायदे मिलते हैं, और जैसे कोई आप मंत्र जपना चाहते हो, गुरु मंत्र जपना चाहते हो, तो वो भी आपका कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे आप ग्रुप में जाते हो तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती, दूसरी बातें चलते रहती है। तो यहाँ पे कई, अभी इंदौर का एक परिक्रमावासी मिला था, तो ऐसे लगातार कोई बनारस का मिलता है, कोई इंदौर का मिलता है। कल डिंडोरी का एक ग्रुप मिला था जो काफ़ी बड़ा था, और तर पूरे भारत से लोग, अभी राजस्थान के एक साधु मिले थे, पूरे भारत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा चौथा दिन है और काफ़ी आनंद, अभी तक तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। हाँ, जो पाटनी के पास का जो जंगल था, पहाड़, जो बहुत बड़ा बड़ा चट्टान वाला पहाड़ था, वो थोड़ा टफ था, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं है, पहाड़ बहुत बड़ा नहीं है जिससे कि ज़्यादा आपको कष्ट हो। तो इतना वीडियो विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।